हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं निकली थी शाम के टाइम में बाहर। तो बाहर निकलने के बाद क्या है कि आज मेरा सर दर्द इतनी तेज़ हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर घूम लिया जाए। मैंने सोचा थोड़ी देर प्लॉट, इधर मेरे घर की वो पीछे वाली है, मैंने बोला कि इधर प्लॉट खाली पड़े हैं, इधर थोड़ा सा घूम के आती हूँ। आज इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था ना, थोड़ा सा बैंक जाना पड़ा। और आजकल बैंक में जाना एक महाभारत हो गया है, तो बस वहीं से मेरे को भूख लगने लगती है तो फिर सर दर्द होने लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि आई, फिर खाना तो खाया नहीं और फिर लेट गई, फिर सो गई तो फिर नींद भी लग गया, और नींद लग गई तो फिर पूरा दिन निकल गया लेटे लेटे। और जब उठी तो इतना सर भारी लगा था ना, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम के आती हूँ। और छुट्टियाँ बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक की थी, तो फिर से हॉस्पिटल कॉलेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। और छुट्टियाँ जब ख़त्म होने वाली होती ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं सारा कुछ ख़त्म हो गया है। बेबी चली गई खेलने, यीशु भी चला गया खेलने, और बस मैं पीछे वाले रास्ते में घूम रही हूँ। जो हमारी रो है उसके पीछे तरफ में जो है खाली पड़े हैं ये प्लॉट सारे। तो इधर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इधर पूरा। इस तरफ में ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरफ में खेत हैं पूरे। तो इस तरफ में जो पीछे की तरफ में खेत है ना, इधर पूरा खेत है। दिखाती हूँ आप लोगों को, काफ़ी ऊंची है दीवार मेरे जितनी होगी, और ये देखिए पूरे खेत हैं। छत से जब हम लोग देखते हैं, देखिए आर्क का पेड़ लगा हुआ है, और कौआ, देखिए पूरा खेत दिख रहे हैं। ये पूरे खेत हैं इस तरफ में। तो एक फ़ोटो निकाल रही थी इसलिए थोड़ा सा रुक गई थी। तो यहाँ पे देखिए पूरे खेत हैं इस तरफ में, और बहुत ही अच्छा लगता है इधर मतलब, तो पीछे तरफ में देखने में। तो ये कैमरे में दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन कैमरे में मुझे दिख रहा है। तो देखिए पूरे खेत काले काले हो रखे हैं अभी, और यहाँ पे शायद क्या सोयाबीन बोने वाले ना अब, हाँ सोयाबीन बोने वाले हैं। तो सोयाबीन या फिर धान, दोनों चीज़ें या फिर कुछ ना कुछ लगेगा। पूरा खेत एकदम काला है, अभी ट्रैक्टर चल रहा था इसमें। इधर से ही मोर की आवाज़ आती है, पूरा एरिया जो है ना खेत का है ये पूरा एरिया। और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना छत से, जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर इस तरफ में, हमारे घर की तरफ में एकदम खुला वातावरण है, पूरा साफ़ सुथरा पूरा सब कुछ। और मतलब यहाँ आके बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। जब हम लोग जहाँ रहते थे उस सिटी साइड में जाते हैं ना, तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कहाँ आ गए। इतना आज हम लोग गए, मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे, पॉपुलेशन और पोल्यूशन दोनों चीज़ें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई है कोई नहीं है, लेकिन मतलब इंसान भी उतने ही हैं, गंदगी भी उतनी है। और इधर हम लोग एकदम खाली एरिया में रह रहे हैं ना यहाँ पे, तो उधर जाते हैं ना तो एकदम से अजीब सी घबराहट जैसी होती है। और आप फोर व्हीलर से हैं तो ठीक है, वरना फोर व्हीलर से हैं तो और परेशानी है। इनको तो मैं ताला लगा के इसलिए चाबी हाथ में रखी हूँ। ये देखो आई लव पापा, जब ये रिटायर्ड होके आने वाले थे ना, तब ईसु ने उनके लिए ये ऑर्डर किया था, तो ये उनके लिए मंगवाया था। नेल पेंट वगैरह सारा निकालना पड़ेगा या फिर कोई कलर का लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल से परसों के दिन से स्टार्ट है, आज सैटरडे है। तो ये चले गए सब्जी लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए घास पूरे में निकला हुआ है इस तरीके से, बबूल का पेड़ है और वो बहेड़ा है, उसको बहेड़ा बोलते हैं, विभूतिकी, अगर कोई आयुर्वेद से है तो जानता होगा विभूतिकी। और बस इस तरीके से कुछ चल रहा है। और शाम के टाइम में घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अपने दोस्तों के साथ में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी रो में जो है सारी वर्किंग वूमेन हैं और उनके बच्चे हैं। तो बच्चे छोटे हैं, हमारी रो में ज़्यादा बड़े बड़े बच्चे नहीं हैं, और उनकी जो फ्रेंडशिप हुई है जो इनके साथ स्कूल में जाते हैं, तो वो थोड़ी सी दूर हुई है उस तरफ में। तो बच्चे इशू उसी तरफ में ग्राउंड है, पार्क है, तो इशू चला जाता है अपना खेलने के लिए, और बेबी इधर चली जाती है यशु के इधर। उधर बच्चे हैं, उसके साइज़ की तो नहीं है उनकी गुड़िया, छोटी है, तो वो उनके साथ में खेलती है पूरा टाइम में। तो बस कुछ इस तरीके से ही है हमारे इधर का माहौल। और कॉलेज स्कूल स्टार्ट हो गए बच्चों के, सारा कुछ स्टार्ट हो गया, और हमारा बिजनेस भी बहुत जल्द सेटअप होने वाला है। मैं आप लोगों को सेटअप पे ले जाऊँगी,
और बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को ज़रूरत है सोलर और सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी लाइट की चीज़ें हैं, लाइक क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी लाइट्स आती हैं जलने के लिए घर में, डेकोरेशन के लिए आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए, ये सब कुछ सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम लोगों ने रखी हुई हैं। और मोस्टली सीसीटीवी और सोलर का है, और इसके बाद में स्ट्रीट लाइट का ज़्यादा है, सारा कुछ है मतलब उसमें, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, आपको जैसे भी सोलर लगवाना है कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल में, कहीं भी लगवाना है, तो उस तरीके का बिज़नेस अपन ने स्टार्ट किया है। और लूको ट्रेडर्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और यूट्यूब पे बहुत जल्द ही हम अपना एक नया चैनल बनाने वाले हैं, ये उसमें अपने आइटम्स और जहाँ जहाँ इनकी साइट चलती है वहाँ वहाँ जाने के लिए जो जो प्रोसेस है वो सारी आप लोगों को बताएंगे। एक्चुअली मुझे इतनी ज़्यादा पता नहीं है, और जब भी गवर्नमेंट टेंडर वगैरह पे काम करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं। तो बस कुछ इस तरीके से ही हमारी लाइफ सेटल हो रही है धीरे धीरे करके। और डायबिटीज़ के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि डायबिटीज़ का क्या है, तो डायबिटीज़ का एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, और आजकल बहुत सारे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, मोस्टली लोगों को, बहुत सारे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है। और इसका कारण तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं उनके आधार पर अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ होने का क्या कारण है। तो लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, मतलब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने और बैठने के कारण हो रही है। जितनी ज़्यादा आप लोग खाना खाएंगे, बैठेंगे, बहुत कम आजकल बच्चों का खेलना हो गया है, क्योंकि टीवी मोबाइल के कारण बच्चे बहुत कम खेलते हैं। तो मेरे बेटे का भी यही था, खाना खाता था, बैठता था, और शायद उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, तो फ्रैक्चर के टाइम में उसका ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन में क्या हुआ था कि उसको जब ऑपरेट किया था, तो जो स्टेरॉइड वगैरह, जो बहुत सारे एनेस्थीसिया वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देते हैं जिनका इफ़ेक्ट हार्मोन के ऊपर पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि खान पान में तो आप देखते ही हैं कि हमारे इधर ऐसा नहीं है कि खान पान में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि उसकी दादी को है टाइप 2, तो शायद वो भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बचाव के कारण और तरीके तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, वो मैं एक अपना सेपरेट तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब चिकना खाना उसको नहीं देना है, मतलब ऑयली नहीं फूड नहीं देना, जंक फूड नहीं देना, हेल्दी डाइट उसको देना है। नॉर्मली है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए सिर्फ मीठे का परहेज होता है, और खाने में थोड़ा सा ये होता है कि आप ज्वार बाजरा और कंगनी कुमुदनी ऐड कर सकते हैं, और दलिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ हैं। बेबी बेबी बेबी, इधर हूँ मैं, इधर 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 देखो, इधर, हाँ इधर हूँ। बेबी जा रही ना काकू के लिए छोड़ने के लिए, साइकिल चला रहा था, आओ। तो चलिए, देखिए बेबी आ रही दौड़ के। हाँ इधर, वो बीच में रास्ते में घर बन रहा है ना, गिट्टी पड़ी है इसलिए। तो ठीक है, बेबी आ रही है, देखिए दिखा ना, बेबी को भी जुकाम लगा पड़ा है, बारिश के मौसम में इस तरीके का होता है, दिखा ना बेबी ने, देखो क्या पहना है, कितने प्यारे चूड़े पहने हाथ में, देखो। अब पूरे वापस हो जाएंगे, अब मम्मी की तिजोरी में रखा जाएंगे सारे, अब स्कूल जाना है ना। ये वाला फ्रेम बेबी के ऊपर अच्छे से जस्ता है ना, चश्मे का। मेरी प्यारी बेटी है भैया, मेरी प्यारी बेटी है ना। तो चलिए रोकते हैं हम अपने वीडियो को, तो हमारी वीडियो को क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हाँ जरूर कर देना भाई, हमारी बेबी बोल रही है। ठीक है, तो चलिए रोकते हैं अपने वीडियो को, अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, तभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।